हाल ही में बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर एक हिंदू लड़की के साथ मुबीना तौर पर देखे जाने और बात करने के लिए एक मुसलमान शख्स को हिंदुत्वा हुजूम ने पीटा था। मंगल को इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के MLA रईस खान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इस मामले की सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। यहां तक कि लड़की को एतराज़ करते हुए सुना गया और मुश्ताल अफराद से रुकने की इल्तिजा की। उसने हुजूम से इल्तिजा की कि उसे ना मारो। यहां तक कि जब उसे उसके कॉलर और बालों से बांद्रा टर्मिनस से बाहर घसीटते हुए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। वीडियो में मौजूद दीगर आवाज़ों ने दावा किया कि लड़की सिर्फ 16 साल की थी, जबकि कुछ दीगर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो मुबीना तौर पर उस शख्स के साथ राजस्थान से फरार हुई थी, जिसके मजमूम मकासिद हो सकते हैं। वारिस पठान ने मुंबई पुलिस से मुतालिबा किया कि वो इस वाक़े का फौरी नोटिस ले और इसमें मुलव्वस तमाम गुंडों को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके। प्लेटफॉर्म से लेके जा रहे एक नाबालिग हिंदू लड़की को हमने एक लैंडे से बचाया है। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक, जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।